तो भाई लोग कैसे गुजरी ईदी? हाँ ईदी जरा बताओ तो कहाँ कहाँ खर्ची की हैं? और अगर तो तुम उन बदकिस्मत लोगों में से हो जो ईदी लेने के मरहले से दो चार हो चुके हैं तो तुम अकेले नहीं हो भाई, बल्कि आधा पाकिस्तान ही हमारे साथ है। और बाकी का जो आधा पाकिस्तान है वो अगर तीसरे चौथे दिन भी अपनी ईद धूमधाम से मना रहा है तो उसमें गलती उसकी नहीं बेंचोद हमारी ही तो है। अब कुदरत ने हमें इतना वांदा बनाया भाई कि ईद वाले दिन भी वो ही कच्चा पहनकर लेटे होते हैं जो पिछले साल हमारे बड़े भाई ने अपने उत्तरण में दिया था। और वैसे भी यार ईद तो बच्चे मनाया करते हैं, लेजेंड्स तो चांद रात मनाते हैं, है कि नहीं? अब मुझे पता है कि लोगों पर तरस आता है जो अपनी बंदियों को अपने ईदी से अय्याशी करवाते हैं, उनके लिए डेट सेट करते हैं, उनके लिए खाने पीने का खर्चा करते हैं, उनके लिए गिफ्ट लाला कर देते हैं, फिर भी वो बेचारे रहते फ्रेंड जोन में ही है, जबकि उन्हें पता भी होता है कि ये भसोंडिया भी मेरे साथ बैठकर खाना खा रही है, रात को फिर किसी और लोंडे के साथ बैठकर खाएगी। पर हम क्या भी क्या सकते हैं यार, इन बेचारे लोंडों की लिस्ट में हमारा भी नाम होता अगर हमारी फुप्पो के छोटे छोटे नन्ने नन्ने बेटे ना होते। साली बच्ची के साथ डेट मारना तो दूर, मुझे तो अपने साये के साथ भी खाते हुए हिचकिचाहट होती है। नहीं यार मेरा हाल तो ऐसा, साला के साथ से ईदी आ रही है और के साथ से जा रही है बहन, तो जरा अंदाजा नहीं होता। खैर मैं अब तुम लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो ने ईद के पहले दिन आना था। नहीं नहीं मैं कहीं बिजी नहीं था, बस मेरे घर और मेरे रूम में कुछ मेहमान रुके हुए थे जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाया। तो बाद थोड़ी चैनल को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। देखो मुझे अब तुम लोगों की चाहिए हेल्प, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस अपलोड करूँ लाजमी। वो इसलिए क्योंकि मैं जब हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब ना उसकी किसी को नोटिफिकेशन भेजता है, ना वो किसी को रिकमेंड करता है, ना वो वीडियो किसी को सजेस्ट करता है, साली वीडियो का हाल टट्टी हो जाता है जैसे इसका हुआ। अब मैं अगर हर हफ्ते 3 से 4 वीडियो डालूं तो मेरे पास कंटेंट का होना लाजमी है। तुम्हारी हेल्प का मतलब ये है कि तुम्हारे पास अगर कोई भी वीडियो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर मैं अपनी वीडियो बना सकूं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें नीचे हर जगह मिल जाएगा, यहाँ स्क्रीन पर भी पिक्चर आ रही होगी, तुम मुझे उधर आके जल्दी से फॉलो कर लो। और अगर तुम मुझे उधर कोई भी चीज भेजते हो तो तुम्हें उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा। मैं उसके इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वीडियो क्रेडिट गोस टू के नाम से आएगी और उसके आगे लिंक होगा तो तुम्हें उसका फायदा मिलेगा यार। तो मैं इन सब चीजों की वजह भी बता देता हूँ कि भाई देखो मुझे YouTube पर 1 साल पहले ही हो चुका है और मैं यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक आया हूँ, मतलब मेरी थूथ पर बड़ी सी लाना तो ठीक है। अब मेरे दिमाग में हो रही है बड़ी सी चुल, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा, पर लेकिन मैंने इस साल के एंड तक करने ही है लाजमी 1 लाख सब्सक्राइबर्स किसी भी तरह। तो बस मुझे थोड़ी तुम लोगों की सपोर्ट है, बाकी मैं अपना टाइम लगाने के लिए तैयार हूँ। तो मिलके हम जल्द से जल्द 1 लाख पर जाएंगे यार, क्योंकि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा। तो बस भाई अभी आज के लिए इतना ही। अब मैं ये वीडियो डालने के बाद जल्द से दूसरी वीडियो बनाने लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर वो वीडियो कल या परसों तक डाल देनी है टना टन बना के। तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम लोग मेरे साथ हो कि नहीं, मतलब मुझे तो पता लगे कि भाई आवाम है साथ, जनता खड़ी है। और जल्दी से आ जाओ इंस्टाग्राम पे, मैं तुम लोगों का वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे आके उधर फॉलो कर लो, मुझे लिंक भेज दिया करो, मैं जाके उस पे वीडियो बना दिया करूंगा और क्रेडिट तुम्हें पूरा मिलेगा। और मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गुची गैंग गुची गैंग गुची गैंग गुची गैंग गुची गैंग करने नहीं आया मैं, लिखे हैं कसरत से लफ्ज़ बड़ी हसरत से तुम्हें सुनाने वो आया मैं। हसल है असल के जैसे हो, फसलों पे लगी कोई फसल, I wrestle इस किस्मत से जैसे हाथों से लड़ते थे बादशाह मुगल। I keep it real, लोगों को होती है जलन तो भाई मेरे होने दे, झूठी बराबर जो रोते मेरे आगे उनको तू रोने दे। 22 का मैं कर रहा हूँ 2 jobs, यूनस जानता हसल मेरी रियल बॉस, उमर खान AKA जोके, साथ खाए हमने अपनों से धोखे, पर गेम पे इतना सेल्फ कंट्रोल, इतने हाथ साफ के अब बंदे फायर भी ना छूके, क्योंकि ये फायर नहीं मुंह के, कूल किड्स थे हम अपने स्कूल के। उदासी छा जाती माहौल में सुनता हूँ जब रैपर्स का मंबल रैप, वो गलत समझ बैठे इसको ये ज़ियाफ़त नहीं, ये जॉनरे है गैब, ये जरिया है सब सामने लाने का, जो छुपा था सबको दिखाने का। नजरिए मुख्तलिफ तजिए मुख्तलिफ, कभी है वो शायर तो कभी मुसन्निफ, पर मुझे तो सब लगे सेम, क्योंकि बातें सब करे लेम, फीचर वीचर करते वो साथ में, आपस में वो शेयर करे फेम। पर सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई मेरे, तुम सुनते बीट को ना के रैपर को, तुम मांगो वीडियो में स्वैग, बच्चियां टैग, ओजे जे कैश, लिख करते हैश, वंडी जे गंडी ते निके जे ड्रेस, तू मांगे प्रोमोशन मीडिया प्रेस। Yeah, 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 yeah.